अगर आप एक कंप्यूटर या मोबाइल यूजर हैं तो आपने कभी ना कभी कर्नल का नाम जरूर सुना होगा और कंप्यूटर या मोबाइल में कर्नल का काम सेम होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम हमें एक ग्राफिक इंटरफेस प्रदान करता है जिससे कि हम कंप्यूटर सिस्टम को कमांड दे सकें, लेकिन सिस्टम इन कमांड्स को डायरेक्टली समझ नहीं सकता है, इसलिए कोड की ट्रांसलेशन बाइनरी लैंग्वेज में की जाती है जिसके लिए ऑपरेटिंग सिस्टम के कोर कंपोनेंट को इस्तेमाल में लाया जाता है जो कि कर्नल होता है। हम कर्नल के लोएस्ट लेयर से डील करते हैं और वहीं कर्नल फिर सिस्टम के साथ डील करता है। कर्नल सिस्टम हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में मीडिएटर का रोल करता है। ये वो पहला प्रोग्राम होता है जिसे कि बूटिंग प्रोसेस के दौरान प्रोटेक्टेड मेमोरी एरिया में लोड किया जाता है और यह उस मेमोरी में तब तक स्थित रहता है जब तक कि सिस्टम पावर ऑन हो। इसी बीच कर्नल सिस्टम के दूसरे प्रोसेसेस को मैनेज करता है, जैसे कि प्रोसेस मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, डिवाइस मैनेजमेंट और इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट।